सो हाय गाइस, माय नेम इज स्नेहल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले झूम मूवी का रिव्यू। और जैसे गाइस आप सभी को पता है, जो मूवी है 1 से 1.5 महीना हो चुका है रिलीज हुई है, और ये बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रही है और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आ रही है। और पसंद क्यों नहीं आ रही और बहुत सारे लोगों को पसंद क्यों आ रही है, ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ गाइस एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ये जो मूवी है ये हमारे नागपुर में ही शूट हुई है, और मेरे घर से कम 2 किलोमीटर की दूरी पे ये मूवी सारी शूट हुई है। और इस मूवी की ऐसी कईयों से ऐसी टेक है जो मैंने खुद ने अपने आंखों से देख चुका हूँ। और आप सब अभी ये चीज सोच रहे होंगे गाइस कि उस टाइम में मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया, तो एक चीज बता देना चाहता हूँ गाइस कि उस टाइम में मेरे पास अच्छा खासा कोई हैंडसेट था नहीं, और सबसे बड़ी बात तो मैं खुद यूट्यूब पे ही नहीं था। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आज की इस वीडियो में झूम मूवी से सारी की सारी हिस्ट्री आज की इस वीडियो में आपको बता देने वाला हूँ। चलिए गाइस वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि बहुत से लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि मूवी में अच्छा एक्शन नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, यानी कोई ऐसी सीन नहीं है, जो भी कुछ दिखाया गया है सब लोकल है, इस्लाम है। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं, तो ये उनको ऐसा लग रहा है कि मूवी में कुछ दम नहीं है ट्रेलर देख के, क्योंकि आप सभी ने भी इसका ट्रेलर देख चुके होंगे। और ये ट्रेलर पहली बार तो मेरे को भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये जो मूवी है 2018 में शूट हो रही थी और ये 2022 में रिलीज हुई, यानी काफी ज्यादा टाइम लग चुका था मूवी से, यानी हम खुद भूल गए थे कि कोई मूवी बनी थी करके, कोई मूवी आने वाली है करके। पर जैसे कि अभी 2022 में वो मूवी आ चुकी है, और ये जो मूवी बनी है गाइस ये ओरिजिनल हिस्ट्री के ऊपर बनी है। जैसे कि एक लड़का है जो कि वहां का ही है, गड्डी गुदाम का, तो ये उसको फुटबॉल खेलने का बहुत ज्यादा शौक था, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन में उसकी फोटो दिखा देता हूँ। और सप्ते में जेते में भी उनका इंटरव्यू हो चुका है। और साथ ही साथ गाइस मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि उनका इंटरव्यू आमिर खान जी ने किया था, और उनके जो कोच थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन जिनके रोल कर रहे हैं, तो ये उनके कोच थे दोनों के दोनों, उनका इंटरव्यू हो चुका है। तो ये सारी मूवी है जो कि सच्ची घटना के ऊपर आधारित बनी हुई है, और उस प्लेयर को यानी जो फुटबॉल प्लेयर था उसको यानी शूट करते समय जेल भी जाना पड़ा था। तो ये सारी जो भी चीजें मैं आज की इस मूवी में आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अंकुश गेडाम है, जो कि ऐसे गड्डी गोदाम, आपने देखे होंगे मूवी में गड्डी गोदाम का जिक्र बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि ये मूवी ही गड्डी गोदाम में बनी है। और ये मूवी की जितनी भी सारी सीन है गाइस सारी की सारी ओरिजिनल है, यहाँ पे कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, और जितने भी लड़के हैं सारे के सारे झोपड़पट्टी के ही है, जो कि नागराज सर जिन्होंने ये मूवी में इन सारे लोगों को जमा किया है, तो इन्होंने एक एक करके इनको जमा किया है, उनकी यानी काबिलियत जानी है, कौन कर सकता कौन नहीं कर सकता। और साथ ही साथ इनके आप बहुत सारे ऐसी इंटरव्यू देख लीजिए, इन्होंने नहीं प्रैक्टिस किए है नहीं कुछ किए, जो भी मूवी बनी है सच्ची घटना के ऊपर ओरिजिनल टाइप मूवी बनी है, ओके। और काफी कम समय बनी है, जो कि डॉन का जो किरदार निभा रहे उनका नाम है अंकुश गेडाम, जिनके लंबे लंबे बाल है, तो ये मेन रोल है, यानी जिनके ऊपर ये मूवी ओरिजिनल हिस्ट्री है, तो इनकी यानी अंकुश गेडाम जिनका डॉन नाम है, तो ये किरदार उनका निभा रहा है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। और जो अमिताभ बच्चन का है, तो उनके जो पुराने कोच थे वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, तो ये उनके कोच थे, तो इन्हीं के ऊपर सारी की सारी मूवी बनी है। और सबसे प्यारा रोल मेरे को एक ही चीज लगा इस मूवी का, जो कि है बाबू छत्री का, जो उन्होंने कहा था भावना भाभी, वो तो नागपुर में डायलॉग इतना फेमस हो गया। और आप सभी को पता है इसकी नागपुर की लैंग्वेज ऐसी है कि यहाँ पे हिंदी मराठी इंग्लिश हर चीज की लैंग्वेज है, यानी आप जिधर जाओगे तो उस टाइप की आपको लैंग्वेज देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे ऐसा है यानी सब कुछ मिक्स ही है, जैसे कि ये लैंग्वेज मुझे भी आती है, मराठी भी आती है और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है। तो ये जो लैंग्वेज है आपने देखे होंगे मूवी में, बहुत सी ऐसी रफ लैंग्वेज है जो कि हर इस्लाम में रहता ही है, जैसे कि जरूरी नहीं कि नागपुर में ही हो, कि बाहर में भी रहता है, पर थोड़ी नागपुर की थोड़ी अलग ही टफ है। तो इनकी हिस्ट्री में आपको बता दूं, ये जितने भी किरदार है जो भी काम कर रहे हैं ये सारा का सारा रियल में करते थे। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, इसकी जो इनमें से एक जो एक्ट्रेस है उनको शूटिंग के दौरान ही जेल जाना भी पड़ा था, वो भी चोरी के सिलसिले में। अभी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा कौन है करके, जैसे कि आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, क्योंकि ये मूवी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है, मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, कोई ये नहीं कर रहा हूँ, यानी किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि इसमें जेडियो थे, अंकुश गेडाम थी, और साइली पाटिल जो थी ये नागपुर की नहीं थी,
ये पूना की थी, और जैसे कि आरसी पर्चे आए थे इनका ओरिजिनल नाम तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है अभी, तो ये भी बाहर के थे। और अमिताभ बच्चन जो कि मुंबई के है, तो और बाकी के जितने भी किरदार है सारे के सारे नागपुर में है, एक ही मैदान में मूवी शूट हुई है। ज़्यादा कोई स्क्रिप्ट नहीं बनी थी, नहीं कुछ बनी थी, जो भी कंटेंट थे जो नागराज सर जी ने इसके पहले सैराट बनाए थे तो उसमें उन्होंने जैसी कहा था कि जो भी कुछ है ओरिजिनल दिखाओ। जैसे कि आपने देखे होंगे जो कॉटन मार्केट का सीन नागपुर में आपको दिखाया था, तो जो पर्चा है जो डॉन को यानी सही में रैपट मारता है, तो वो चीज़ गाइस रियल में थी, कोई झूठा नहीं था, नहीं कोई इफेक्ट था, नहीं कुछ था, ओरिजिनल में यानी मारना चालू था, ओरिजिनल में मारपीट सब कुछ ओरिजिनल में था, एडिटिंग वाला कुछ सिस्टम ही नहीं था। और जो भी उनकी लैंग्वेज है, ऐसा नहीं कि आपने ऐसी बहुत सी मूवी पे देखे होंगे जिनकी डबलिंग की जाती है, तो इस मूवी में नहीं डबलिंग है, नहीं एडिटिंग है, नहीं कोई इफेक्ट्स लगाए, जो भी कुछ है ओरिजिनल आपको दिखाया गया है। और सबसे ज़्यादा लोग इसे पसंद इसलिए कर रहे हैं कि ये सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, और रियल किरदार में ऐसी होता है हर जगह। आप स्लम में जाते होंगे, जैसे कि आप मुंबई दिल्ली कहाँ पे भी रहते होंगे, तो आपने स्लम पे देखे होंगे ऐसी बहुत सी जगह चलता ही रहता है, तो जो कि वो सच्चाई है जिन्होंने नागराज जो सर है उन्होंने आगे लाई है कि हमारी दुनिया में ऐसी भी सच्चाई है। बहुत से लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है, तो वो अलग बात है कि वो पता नहीं होती, पर ओरिजिनल सच्चाई है, तो इसलिए ये मूवी पसंद आ रही है। और सच में आपको बता दूं गाइस कि जैसे कि सैराट उसमें भी आपको पता है सिर्फ एक ही गांव में पूरी मूवी शूट हुई थी, वैसी ये पूरे नागपुर में शूट हुई है। नागपुर में ज़्यादा एरिया नहीं है बड़ा, ओनली गड्डी गुदाम जो कि बहुत फेमस हो चुका है, अभी बहुत से लोग उस चीज़ के ऊपर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं खुद ब्लॉगिंग कर सकता था गाइस क्योंकि मैं खुद नागपुर में रहता, पर जिस टाइम में इसकी शूटिंग चल रही थी अमिताभ बच्चन सर जैसे कि नागपुर में थे, तो उस टाइम में मैं खुद ही यूट्यूब पे नहीं था, और उस टाइम में मेरे पास कोई अच्छा खासा हैंडसेट भी नहीं था, और इस चीज़ का मेरे को नॉलेज भी नहीं था, तो मैं आपको सारे के सारे चीज़ आपको दिखा दिया रहता। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ इसकी, इनमें जितने भी एक्टर्स हैं जिन्होंने भी एक्ट्स किए मैं सारे के ऊपर ब्लॉग्स जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे घर से नज़दीक ही है। पर अभी ऐसा है हाल फिलहाल में, अभी एक बार मैं गया था उनके घर की तरफ, तो ऐसा हुआ था कि कोई यानी सभी प्रमोशन के लिए गए थे, अभी एक महीना तो हुआ मूवी रिलीज हुए, और जिन लोगों ने ब्लॉग बनाया है तो उन लोगों को ऐसी मिलेगा इसकी कि वो बस्ती में छे, उनको कब आना है कब जाना है सब पता होता है, तो यही प्रॉब्लम कुछ चालू थी। और सबसे पहली चीज़ मेरे को एक ही लगी जिसमें बाबू छत्री का जो रोल है, जो बोला चलना है, जो नागपुरी स्टाइल में जो भाषा है वो सबसे प्यारा है गाइस। कि आपने ये मूवी नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर देखिए, और सच्ची में बताऊंगा आपका पूरा पैसा वसूल है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, आप भी जाए देखिए, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये सब रियल में है, और ऐसी रियल में होता है। जैसे कि आपने ऐसे बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे जिनों में सच्ची घटना के आधारित तो बनती है, पर उसमें कुछ बोलोचन आ जाते हैं बीच में, कोई इफेक्ट्स आ जाते हैं, एक्शन सीन आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है। कोई मिक्सचर को क्या बोलते, तो जो हिस्ट्री रहती है उसको तोड़ मोड़ के एक अच्छा सा कंटेंट बनाते हैं, पर ये जो मूवी बनी है गाइस झूठ मूवी, तो इसमें जितना भी कंटेंट बना है सारा का सारा ओरिजिनल बना है, कोई टेक वाला हिसाब नहीं, 10-12 टेक ऐसा कुछ नहीं। नागराज सर ने बोले ये डायलॉग बोलना है, जाओ डायलॉग बोलो, ऐसी मूवी ये शूट हुई है। और सच में गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार जाओ, आपका पैसा जरूर वसूल है। तो गाइस मैंने आपको तो सारी की सारी हिस्ट्री आपको बता दिया, इसमें जेरियो भी है, अंकुश भी है, और सायली पाटिल है, बाबू छत्री है, और ऐसी बहुत से किरदार है जिनके नाम मुझे सच में नहीं पता है गाइस। अगर नाम मैं सबके लिख के रखूंगा तो मैं यानी वो पढ़ाई करके किया हुआ रहेगा, क्योंकि मैं खुद नागपुर का हूँ तो मेरे को इतना नॉलेज है कि मूवी कहाँ का, कॉटन मार्केट, बर्डी, झांसी रानी चौक, ये जगह रिलीज हुई है और एक ही मैदान में रिलीज हुई है, मैंने खुद ने मूवी देखा हूँ। पर अभी बहुत से ऐसे हैं जिनके नाम याद नहीं आ रहे हैं, तो मैं जाऊँगा वो बस्ती में और सारा का सारा ब्लॉग भी जरूर बनाऊंगा। चलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ गाइस मूवी जरूर देखना क्योंकि मूवी बहुत जबरदस्त बनी है।